वरहमतुल्लाह वरकातुहू। दोस्तों अभी हम जो दही लगाने लगे हैं, दही लगाने के लिए हमने दूध लिया। दूध दूध हमारे पास 22 लीटर था, तो आज हम 22 लीटर दूध से दही लगाएंगे। तो अभी हमने दूध बॉयल कर लिया है माशाल्लाह से। तो अभी इसको परातों में ऐड करेंगे। जब भी दूध को परातों में ऐड करें तो थोड़ा सा फेंट लिया करें इस तरह से। फेंटने से दूध जो है हल्का हो जाता है, तो इससे पलाई भी अच्छे वाली आएगी और दही भी अच्छा जमेगा। तो हमने दूध जो है अच्छे से फेंट लिया। अब हम इसको हमारे एक परात जो हमने लगा ली थी, अब इसके ऊपर ये लगाएंगे सीधे एक तरह से। देखिए जहाँ पे लगाएं तो उसको सीधा कर लिया करें। इसके ऊपर आप रखेंगे परात, दूसरी परात रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने परात है इसके ऊपर सेट कर दी इस तरह से। इसके ऊपर लगाएंगे ये वाली सीखे हम दो अदद, और इसके ऊपर रखेंगे छन्नी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने छन्नी जो है रख दी। अब हम इसमें डालेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी दूध दही के लिए इस्तेमाल करें या वैसे भी करें तो दूध को अच्छे से छान लिया करें। छानने से जो है ना इससे कोई दूसरा चीज़ हो पता चल जाता है। तो हमने दूध इस तरह सभी छान कर डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। तो एक परात में तकरीबन 5 लीटर के करीब दूध चलता है। फिर जरूरी नहीं होता कि आप परात में ही दही जमेगा, किसी और बर्तन में नहीं जम सकता। किसी भी बर्तन में दही लगाएं, इंशाल्लाह बर्फी की तरह दही बनेगा। घर में दही बनाने के लिए खालस भैंसों का दूध लें, उसे एक बॉयल का गर्म करें। गर्म करने के बाद ठंडा ठंडा करें, और ज़्यादा ठंडा भी नहीं करना। उसका टेम्परेचर दूध का 40 और 50 के दरमियान होना चाहिए। देसी तरीके से चेक करने का तरीका ये होता है कि आप उसमें उंगली डिप करें। उंगली डिप करने के बाद 10-10 घंटे करने, अगर हल्की सी जुकन हो उंगली बर्दाश्त करे तो दूध आपका जाग लगाने के काबिल है। तो हमने 2 परातें मुकम्मल कर ली। अब हम इसके ऊपर रखेंगे तीसरी परात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तीसरी परात सेट कर ली। इसके ऊपर चिकन लगाएंगे, इसके ऊपर रखेंगे छन्नी इस तरह से। तो ये हम डालेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसी तरह हमने तमाम परात जो है दूध की मुकम्मल कर लेनी है। बिस्मिल्लाह। तो हम दूध है परातों में डालकर इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारी 3 परात जो है दूध की मुकम्मल हो चुकी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सीखें इस तरह से। ये देखें, तो इनको इस तरह फुला देंगे। इसके ऊपर रखेंगे 4थी परात लगा देंगे इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे ये देखें इस तरह से। और इसके ऊपर ये लगाएंगे ठीक है। इसके ऊपर रखेंगे छन्नी, इसमें डालेंगे दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये दूध हमने डाल लिया इस तरह से। अब दूध रह गया थोड़ा, तो इस तरह से उल्टा लेंगे। तो जब भी दूध इस तरह गर्म इस परात वगैरह में लगाएं तो एहतियात से लगाया करें। दूध बहुत गर्म होता है, पाँव पर ना गिरे। हमारे पास दूध है वो कम था, हमारे 4 परात मुकम्मल हो चुके हैं। हमने दूध परातों में ऐड कर लिया। अब हम इसे इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ज्यादा ठंडा भी नहीं होने देंगे।
हम तकरीबन आधे घंटे के बाद दोबारा मिलते हैं। तो दूध हमारा जो ठंडा हो चुका है, इस तरह हाथ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 9 10। तो ये हल्की सी चुभन है, इसका मतलब है कि दही जो है लगाने के ये दूध काबिल हो चुका है। तो अभी हम इसको लगाएंगे जाग जाग खाने वाला 1 चम्मच, 1 कुंडे के हिसाब से लगाएंगे इस तरह से। इसी तरह हम तमाम कुंडों को जाग जो है वो लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 2 और 3 और इस तरह से 4। तो ये हमने जाग जो है तमाम कुंडों को लगा दी है। अब हम इसे मोटे कपड़े से ढक देंगे। तो जाग जो हमारी लग चुकी, अब हम इसके ऊपर मोटा कपड़ा लेकर ढक देंगे। 8 घंटे के लिए इधर पड़ा रहेगा दही हमारा, और 4 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रखेंगे, तो इसके बाद से जो इस्तेमाल करेंगे। दही हमारा जो है ना जम चुका है माशाल्लाह से, 8 घंटे हो चुके हैं। तो ये देखें माशाल्लाह मोटी प्लाई वाला दही बना हुआ है, ये देखें ये देखें। तो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ज़रा सी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।